नमस्कार, एमपी न्यूज कास्ट में आपका स्वागत है। मैं हूँ आपके साथ दीप्ति भटनागर। आइए शुरुआत करते हैं दिनभर की कुछ खास खबरों के साथ। जिला कटनी के अंतर्गत आने वाले ग्राम बंधी स्टेशन का एक बड़ा ही दुखद मामला आज सामने आया। जानकारी के अनुसार हरगोविंद पिता गणपतलाल चक्रवर्ती बंधी स्टेशन निवासी ने सलीमनाबाद थाने में जाकर सूचना दी कि उसका तीसरे नंबर का भाई सुनील चक्रवर्ती उम्र लगभग 40 वर्ष घर में मरा पड़ा है और उसके ऊपर फर्राटा पंखा डला है। पुलिस ने मर्ग इंटीमेशन कायम किया और तत्काल घटना स्थल पर पहुंची। मृतक घर पर अकेला रहता था। उसकी पत्नी एक वर्ष पहले ही छोड़कर उसे अपने मायके चली गई थी। मृतक के दो बच्चे भी हैं, जो पत्नी अपने साथ ले गई है। शव को पंचनामा हेतु भेजा गया। अभी तक की जानकारी के अनुसार मृतक की मृत्यु करंट लगने से हुई है। आगे की कार्यवाही पोस्टमार्टम रिपोर्ट के आधार पर की जाएगी। एमपी न्यूज कास्ट से संवाददाता प्रिया दुबे। 8 बजे ग्राम बंधी स्टेशन सलीमनाबाद से रिपोर्ट करता हरगोविंद पिता गणपतलाल चक्रवर्ती उम्र 49 वर्ष निवासी ग्राम बंधी स्टेशन का थाना आया और उसने पुलिस में ये सूचना दी कि मेरा तीसरे नंबर का भाई सुनील चक्रवर्ती उम्र करीब 40 वर्ष का घर के अंदर मरा पड़ा है और उसके ऊपर फर्राटा पंखा डला हुआ है। तो रिपोर्ट पर पुलिस ने मर्ग इंटीमेशन थाने में कायम की और तत्काल जांच हेतु मौके पर रवाना हुई। मौके पर जाकर जब देखा गया तो मृतक 10x10 के कच्चे मुरम के कमरे में रहता था अकेला। उसकी पत्नी उससे करीब एक साल पहले उसको छोड़ के अपने मायके बिजरावगढ़ चली गई है। दो बच्चे हैं, दोनों बच्चे पत्नी के साथ बिजरावगढ़ में हैं और घर में रात में वो सोया था तो फर्राटा पंखा से उसको करंट लगा और वो उसी पंखे में चिपक गया और नीचे मृत हालत में था। घर वालों ने जब देखा तो थाने में सूचना दी। थाने में पुलिस ने जाके सब का पंचायत कार्रवाई की और पीएम के लिए सबको भिजवाया। अभी तक की जांच में जो चीज सामने आई है तो मृतक की मृत्यु घर में फर्राटा पंखे से करंट लगने के कारण ही हुई है और किसी प्रकार का कोई संदेह अभी तक नहीं आया है। आगे जांच के दौरान जो तथ्य सामने आएंगे तदनुसार आगे कार्रवाई की जाएगी। थैंक यू सर। सर आपका नाम? मेरा नाम ESI अश्विनी यादव, थाना सलीमनाबाद।